आप लोग हमारा शो देखकर वीकेंड मनाते हैं, आप अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करती हैं? शूट करके हम तो वीकेंड्स पर भी शूट करते हैं, हम तो हर दिन शूट करते हैं ताकि पूरे सातों दिन आप तक अच्छे अच्छे एपिसोड्स आ सके, आप लोग एंटरटेन हो सके। जी, लेकिन आप अपने मनोरंजन के लिए क्या करती हैं? देखिए, अभी तो मेरा मनोरंजन मेरा शो ही है, तो मैं जब एक्ट करती हूँ, कैमरा के सामने खड़ी होती हूँ, वही मेरे लिए मेरा क्या बोलते हैं मनोरंजन मेरा वैसे ही होता है और मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है। पर अगर मैं घर पे हूँ, मेरा ऑफ डे है, तो मैं बहुत सोना पसंद करती हूँ। तो इनको 100 तोला सोना दे दीजिए तो ये खुश हो जाएंगी। लेकिन आपके लिए हम लेकर आए हैं बिल्कुल सोने जैसी शुद्ध एकदम बढ़िया कहानी। विज्ञान और कथा अब एक दूसरे के दोस्त तो बन ही गए हैं, अब आपस में ये दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर भी करते हैं और इन दोनों में से जिसे भी लगता है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वो जरूर आगे आता है। अब देखिए, कथा के घर में नीरजा रहती है जिसकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है अपने ही बेटों के साथ। एक माँ की मजबूरी के अपना घर छोड़कर वो किसी और के घर में रह रही है। कथा परेशान है नीरजा की इसी परेशानी को लेकर। कथा की परेशानी समझ गया है वियान, क्योंकि कथा ने वियान को सब बताया है। अब वियान कथा को कह रहा है कि नीरजा से वो मिलेगा, आखिर प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। लोनावला प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुई, पर कथा थोड़ा अपसेट लग रही है मुझे। वो कुछ कोई है उनके घर पे जो रहता है, जो बहुत परेशान है, और कथा उसको लेके बहुत टेंशन में है। तो मैं यही फिगर आउट करने की कोशिश करूँ कि क्या चल रहा है वहाँ। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी ओल्ड एज जाऊँगा और ये नीरजा जी से मिलूंगा एक बार और मैं पूछूंगा उनसे क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल इन दोनों में कुछ इस कदर दोस्ती का रिश्ता शुरू हुआ है। वहीं वियान को देखिए, जब वो अकेले गली से गुजर रहा था तब उसने कैसे इन भूखे बच्चों की भूख मिटाई। अरे भाई, मुंबई का फेमस वड़ा पाव खिलाकर। पहले से था, ये नया पन्ना नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमैनिटी है कि अगर किसी को भूख लग रही हो और आपके पास इतना ज़्यादा है कि आपको कभी भूख नहीं लगी हो, तो आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि कितने लकी कितना लकी हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि ये बच्चों के लिए कोई देखभाल ही करने वाला नहीं था, उनके कोई माँ बाप नहीं थे शायद, वरना वो इस हालत में नहीं होते। अबैंडन्ड बच्चे थे ये शायद। तो मुझे और भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया क्योंकि मैं खुद एक वक्त पे अबैंडन्ड था, तो मुझे वो फीलिंग पता है। तो पता नहीं, बस एक प्रोटेक्टिव फीलिंग सी आ जाती है। विवियान एक नेक दिल इंसान है और बच्चों को तो वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए जो भी वियान से मिलता है वो उसे पसंद करने लग जाता है। अब हमें तो इंतजार है कि कथा कब वियान को पसंद करेगी, ताकि वियान की जिंदगी में जो सोनापन है वो खत्म हो जाए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।